और इस बीच देखिए लेट कट खेला 11 रन पर। इस बीच देखिए लेग ब्रेक की थी, इस बीच विकेट का खतरा और आसानी के साथ अपना विकेट गवाया। जिस तरीके से पृथ्वी विराज ने और 11 रन पर लगता हुआ पहला झटका, पहला विकेट, ओह क्या बात है, क्या गेंदबाजी की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आते ही बल्लेबाज जीत का विकेट हासिल करके जीत को चलता किया निखिल। और ये देखिए हवा में उड़ाया, उड़न खटोला, 6 रन हवा के साथ साथ कटा के संग संग आता हुआ एसपीएल सिक्सर छक्का। दीक्षित के बल्ले से निकलता हुआ ये 6 रन दबाव बन चुका है। जय गेंदबाजी पर आए थे, जय ने कमबैक जरूर दिलाया अपने टीम के लिए। आधी रात में आप देख सकते हो जिस तरीके से ये मैच चल रहा है और आप एक्शन रिप्ले में दृश्य देख सकते हो क्या कैच पकड़ा है उस फील्डर ने। अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखते हुए, बॉडी को कंट्रोल में रखते हुए आपको पार कराना पड़ेगा। और ये देखिए अच्छा स्ट्रोक स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 2 रन के लिए। ऋत्विक फिर से एक बार इस गेंद पर 5 पर। और ये देखिए बॉलर द हिट, क्या बात है, वेट एंड वॉच, 6 रन क्या बात है। दीक्षित के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत सिक्सर, एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो जिस तरीके से सिक्स लगाया। और अगली गेंद पर फिर एक बार हवा में उठाकर खेला है और अंपायर के ऊपर अब दारोमदार कि क्या डिसीजन होता है इस गेंद पर। अच्छा स्ट्रोक लगाया, एलिवेशन नहीं मिल पाया है और वाह क्या एफर्ट है, क्या कैच है। आप एक्शन रिप्ले में और टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हो जिस तरीके से जो फील्डर है उन्होंने जो कैच पकड़ा, या आज के नाइट का सबसे अच्छे कैचों शो में इस कैच का भी शुमार किया जाएगा। आप देख सकते हो एक्शन रिप्ले में जिस तरीके का स्ट्रोक था, ठीक से टाइमिंग नहीं मिल पाया था और जो डाई लगाई, क्या खूबसूरत डाई लगाई, और डाई लगाकर अपने बॉडी को पूरी तरीके से हवा में झोंकने के बाद आखिरी राउंड द विकेट। और ये फिर से एक बार ओहो बॉलर दे हिट, क्या बात है, खूबसूरत स्ट्रोक 6 रन के लिए आता हुआ एसपीएल सिक्सर। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो टप्पे का इंतजार किया, वेट एंड वॉच, गेंद को भेजा 6 रन। और ये देखिए देव की गेंद पर विकेट का खतरा और ये विकेट, एसपीएल विकेट। फिर से एक बार लखनऊ चैंपियन टीम की खुशी आपके सामने नजर आ रही है। एक्शन रिप्ले में आप दृश्य देख सकते हो जिस तरीके से लाजवाब कैच पकड़ा, बहुत ही उम्दा। हम जिस तरीके से आईपीएल में देखते हैं और उसी तरीके से फील्डर का सेलिब्रेशन देखिए, क्या देव गेंदबाजी पर, वाह क्या गेंदबाजी है, स्टंपिंग की थी थर्ड अम्प या फिर बैट्समैन सेफ है। ये देखिए एक्शन रिप्ले में टीवी स्क्रीन पर आप दृश्य देख रहे हो, पॉपिंग क्रीज में बल्ला नीचे की तरफ। और ये देखिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी, ओहो व्हाट अ कैच, क्या बात है, क्या कैच पकड़ा है उस फील्डर ने जो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में था। और यहां पर बैट्समैन जीतू का भी विकेट जा चुका है, क्या कैच पकड़ा है, आपने एक्शन रिप्ले में जरूर देखा होगा। देख पहली गेंद और ये देखिए दीक्षित का विकेट जा चुका है। पूरी तरीके से टीम 58 पर सिमटती हुई, एलिवेशन नहीं मिला
बैट्समैन बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन गेंदबाज ने फॉलो थ्रो में दौड़कर कैच को पकड़ा इतना। और ये देखिए समीर वोरा ने खेला है, वाह क्या कैच पकड़ी है, लाजवाब। एक हाथ से गेंद को कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इस फील्डर ने क्या कैच पकड़ी है। मेरे ख्याल से देव थे वहां पर जिन्होंने लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हो, जब समीर वोरा ने ये स्ट्रोक को खेला था आसानी के साथ अपने बॉडी को स्ट्रेच किया, बॉडी कंट्रोल रखा और हवा में उड़ते हुए एक हाथ से गेंद को पकड़ लिया। क्या बात है, बड़ी आसानी के साथ। और टीम पूरी तरीके से सिमटती हुई नजर आई और इसी के साथ टीम ऑल आउट हो चुकी है। खेला देव ने यहां पर क्लीन बॉल, चारों का निश्चित कर दिया। एक ऐसा विकेट जिसके नाम इस टूर्नामेंट का शतक था। और क्या आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हो, पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया है क्लीन बोल्ड जीत गोहिल ने। वाह, टीम का स्कोर 17 पर जा पहुंचा है। और ये देखिए फुल टॉस गेंद, सही नसीहत स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और दो रन जोड़ लीजिए, टीम का स्कोर 19-19। बैट्समैन अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। और ये देखिए यहां पर विकेट का खतरा, और ये विकेट, जिस विकेट की जरूरत थी केकेआर के फैंस को, खिलाड़ियों को, उस विकेट को हासिल करवाया है स्मित जोशी ने। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो ये स्ट्रोक खेला था थोड़ा सा शफल होकर डीप फाइनल के रीजन में, लेकिन वहां पर मेरे ख्याल से ऋत्विक ने वो कैच पकड़ा है, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को पकड़ लिया। और बैट्समैन का विकेट एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो, सद्दाम का विकेट, ऊपरी क्रम की दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज का विकेट जा चुका है। लेकिन रुकिए रुकिए, मैच खत्म नहीं हुई है, मैच अभी भी बनी हुई है, अभी भी देखा जाए तो। और ये देखिए फिर से एक बार वही चेहरे दिखाए जा रहे हैं, वही फ्लैग दिखाए जा रहे हैं, केकेआर फैंस आप देख सकते हो। कुछ भी हो जाए, हार जाए या फिर जीत जाए, हमें और फिर एक और ये देखिए खींच कर मारा है गेंद, बिल्कुल अगली गेंद। ओ ये देखिए इस गेंद पर दो रन, क्या बात है, नो बॉल। और इस नो के साथ इस मुकाबले को जीत लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हार्ड लक कहता हूँ केकेआर, आपने मैच को हारा है, टूर्नामेंट को नहीं हारा है, फिर एक बार आपको मौका मिलेगा, लेकिन जरूर तारीफ के लायक आप कह सकते हैं यहाँ पर संतोष सर, जिस तरीके से हमने देखा के लखनऊ चैंपियन की टीम ने जो कमबैक दिला है, पूरे मैच का जो टर्निंग पॉइंट बनाना कि फर्स्ट इनिंग में जो कैचेस पकड़े गए, जो कैचेस पकड़ने के बाद पूरी तरीके से मैच में पकड़ बनाई, अपनी जीत को हासिल किया। और आज की रात अगर किसी के नाम हो तो चैंपियन ऑफ द चैंपियन का खिताब हासिल कर सकती है लखनऊ चैंपियन के नाम, क्या बात है। और आज के रात की पारी यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हो, दो टीमों के बीच हैंडशेक किया जा रहा है,
और जिस तरीके से एक डिसिप्लिन के साथ आपने देखा कि आईपीएल की तरह ये एसपीएल सीजन टू, पुजारा एसपीएल सीजन टू का ये टूर्नामेंट, जिसके अंदर हर किसी ने इस टूर्नामेंट को टूर्नामेंट नहीं समझा है संतोष सर, बल्कि फेस्टिवल समझा है। क्योंकि जब फेस्टिवल होता है ना, तब उसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी तरीके का ये फेस्टिवल आपके सामने रंगता हुआ आज की तीसरी नाइट यहाँ पर खत्म हुई।